यूपी में कांग्रेस का ये दाव 2024 चुनाव में बीजेपी को पड़ेगा भारी। यूपी में कांग्रेस की कमान अब अजय राय ने संभाल ली है। कमान संभालते ही कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में अब बदली बदली तस्वीरें देखने को मिल रही है। अजय राय ने शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज नेता शामिल हुए, लेकिन मंच से जो माहौल तैयार हुआ उससे साफ हो गया कि कांग्रेस को भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलने से एतराज नहीं है। मंच से लगते हर हर महादेव की नारों इस बात की तस्दीक भी की थी। आपको बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस यूपी में प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खबरी की जगह अजय राय को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। कांग्रेस नेता अजय राय बीजेपी के प्रसिद्ध नेता कृष्णानंद राय के भाई हैं, जिनके कंधों पर पार्टी ने अब यूपी की जिम्मेदारी सौंपी है। अजय ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपना और पार्टी का भी विजन साफ किया और मंच से अपनी जीत का ऐलान कर डाला। बीजेपी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले भी अजय राय ने अमेठी से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुनाव जिताने की बात कही थी। अजय राय ने कहा कि राहुल का अमेठी पर जलवा है और ये अपनी पुरानी कमियों से सीख लेकर बहुमत से जीत हासिल करेंगे। बहरहाल 24 को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का काट निकाल लिया है। बीजेपी के हिंदुत्व को फॉलो करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी वही राह पकड़ ली है। बीजेपी की हिंदुत्व छवि के आगे कांग्रेस ने अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अजय के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस दफ्तर में हर हर महादेव के नारे सुनाई दे रहे थे। उधर अजय ने भी साफ किया है कि वे जिस नगरी से आते हैं वे भोलेनाथ कबीर रविदास की नगरी है, जिससे साफ है कि कांग्रेस अब हिंदुत्व कार्ड के सहारे आगे के चुनाव लड़ने को तैयार है। तो आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।